अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेस्ट इन हैंड। आज हम बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी चट पर बनने वाली खीर बना रहे हैं। वो है सागुदाना की खीर, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तकरीबन मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं, हमारी खीर रेडी हो जाती है। आइए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें 1.5 लीटर के करीब मैंने मिल्क लिया है। इसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब लिया है मैंने। दूध को मैंने चूल्हे पर रख लिया है और साथ ही मैंने सागुदाना ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इससे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें डिप हो जाए, और इसको तब तक के लिए रख दूँगी जब तक कि दूध में बॉईल नहीं आ जाता। अब जो है मैं इसमें दूध में बॉईल आ रहा है, अब ये सागुदाना जो मैंने इसमें डिप करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे दूध में। ये मैंने ऐड कर लिया है इसमें, और हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए इसको हम पका लेंगे। इसको साथ साथ चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 7 मिनट्स तक ये पक जाता है इजीली। अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, यानी कि सागुदाना हमारा गल जाएगा, इसमें मैं ऐड करूँगी कलरफुल सेवैयाँ। ये मैंने 1 कप के करीब लिए हैं। ये तकरीबन हर शॉप पे, हर दुकान, मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम ये इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मिक्स होगा, इसको भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट्स तक कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकने देंगे, साथ साथ चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैं इसमें चुटकी भर इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसमें मैंने आलमंड्स पाउडर लिया है, ठीक है, बादामों का मैंने पाउडर कर लिया था। आप इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि बच्चे फिर खाते नहीं, इसलिए मैं इसमें पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब ऐड कर लूँगी, और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए। मैंने मोस्टली बादामों की गुठलियाँ बन जाती हैं। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, और हम इसको चलाते जाएंगे। साथ ही किशमिश ऐड कर दिए मैंने, और इसको थिक होने तक पकाएंगे। देखिएगा, हमारी मज़े की खीर रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।